हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरस और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट नेविगेशन की मदद से हम एक स्क्रीन के ऊपर से दूसरी स्क्रीन के ऊपर हम डेटा को कैसे पास कर सकते हैं, वहां पे हम डेटा को कैसे ले जा सकते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट नेविगेशन को कैसे सेटअप करना है, वो मैंने यहाँ पे आपको पूरा सेटअप करके दिखाया था। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो अब सिंपली मैं इस कोड को यहाँ पे टेम्पररी कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़े से इनपुट ऐड कर देते हैं ताकि यूजर अपना जो भी डेटा यहाँ पे इनपुट के अंदर ऐड करे और जैसे ही उसको सबमिट करे तो उस टाइम यहाँ पे दूसरी स्क्रीन ओपन हो जाए और वहाँ पे हमें वो डेटा दिखाई दे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट इनपुट। ओके, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट और इसके अंदर हम उसका ईमेल आईडी इनपुट कराएंगे। तो सिंपली लिखूंगा ईमेल और यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लिखेंगे नीचे। चलिए और इतना करते ही मैं करूँगा सेव। ओके, यहाँ पे हमने उसको अभी स्टाइल नहीं दी है इसलिए ऐसा आ रहा है। सिंपली हम एक काम करेंगे, यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं, यहाँ पे जाके सिंपली ऐड कर देते हैं स्टाइल शीट एंड यहाँ पे नीचे जाके सिंपली लिख देता हूँ कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट और इसके अंदर सिंपली मैं लिख देता हूँ इनपुट। चलिए अब सिंपली इस इनपुट को यहाँ पे स्टाइल देनी है तो सिंपली यहाँ लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट इनपुट। तो यहाँ पे इसकी विथ कितनी आएगी, ये विथ आनी चाहिए स्क्रीन के हिसाब से, जैसे कि स्क्रीन की जो भी विथ है उसके हिसाब से यहाँ पे इनपुट की विथ आनी चाहिए। तो सिंपली इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डायमेंशन और इसके अंदर से हम स्क्रीन की विथ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा डायमेंशन, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमेंशन डॉट गेट, यहाँ पे उसको गेट करो। अब हमें कौन सी चाहिए, यहाँ पे इसकी स्क्रीन की चाहिए तो सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन और यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली ले लेते हैं इसकी विड्थ और यहाँ पे विड्थ कर देते हैं विड्थ माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ 20। ओके, और करूँगा मैं सेव। अब सिंपली यहाँ पे इसके बॉर्डर ऐड कर देते हैं, बॉर्डर विड्थ यहाँ पे लिख देते हैं 2 और करूँगा मैं सेव। चलिए यहाँ पे विड्थ आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे प्लेस होल्डर को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर और यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। चलिए तो अब यहाँ पे सिंपली इस ईमेल को यहाँ पे निकल देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्लीज एंटर योर इंफॉर्मेशन और यहाँ पे इसकी भी स्टाइल ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे और इनपुट चाहिए होगा तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं एक और इनपुट, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ एंटर योर पासवर्ड। यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड को सिक्योर बनाना है तो सिंपली यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिक्योर, ये देखो सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, इसको सिंपली आपको कर देना है ट्रू ताकि यहाँ पे आपका पासवर्ड जो है वो दिखेगा नहीं किसी को। चलिए अब सिंपली यहाँ पे मार्जिन ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐड कर देते हैं मार्जिन। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे एक और इनपुट ले लेते हैं और इसके अंदर सिंपली मैं इनपुट करा दूंगा उसका नाम, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम। चलिए तो यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे और स्टाइल ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली ऐड कर देता हूँ पेडिंग। ओके, तो अब ये कुछ अच्छा लग रहा है। सिंपली हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए होगा जिसके ऊपर क्लिक करते ही वो सबमिट हो जाए, तो यहाँ पे जाके सिंपली टचेबल ओपेटिसिटी लिख देते हैं, टचेबल ओपेटिसिटी और यहाँ पे सिंपली नीचे जाते ही एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली मैं लिख देता हूँ टचेबल ओपेटिसिटी और इसके अंदर एक टेक्स्ट ले लेते हैं टेक्स्ट। अब यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ सबमिट और करूँगा मैं सेव और यहाँ पे हमें स्टाइल भी ऐड करनी है उसकी। चलिए यहाँ पे आ चुका है तो सिंपली इसे भी स्टाइल ऐड कर देते हैं, यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्टाइल्स सबमिट बटन, यहाँ से करते हैं कॉपी और नीचे जाते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे डेटा को एंटर कराएंगे हम। अब सिंपली हम यहाँ पे डेटा को एंटर करवाएंगे और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही दूसरी स्क्रीन ओपन होगी और वहाँ पे यही डेटा को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे इस सब
तो यहाँ पे इन सब डेटा को सेव करवाने के लिए स्टेट चाहिए होगा, तो सिंपली यहाँ पे स्टेट बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेते हैं यू स्टेट, और यहाँ पे स्टेट बना देते हैं जैसे कि, चलिए तो मैंने यहाँ पे तीन स्टेट बना लिए है। चलिए तो अब इसकी सिंपली वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इक्वल टू, ओके यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, सिंपली मैं लिखूंगा नेम। ओके यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे इसे कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे सिंपली एक इवेंट कॉल कर देते हैं जैसे कि ऑन चेंज टैक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको टैक्स मिल जाएगी, सिंपली उसे सेट करवा देते हैं इस स्टेट के अंदर, जैसे कि सेट नेम, उसके अंदर इस टैक्स को कर दो सेट। ओके अब यही चीज में है इन दोनों के भी अंदर ऐड कर देता हूं। ओके तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली स्टेट को असाइन कर दिया है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे जितने भी इनपुट है वो चेंज हो गए, तो उसकी वैल्यू जो भी अप टू डेट होगी वो यहाँ पे स्टेट के अंदर आ जाएगी और हमें यहाँ पे दिखेगी। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, सिंपली इस टचेबल ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करते ही जैसे कि ऑन प्रेस इवेंट कॉल होगी, और उस इवेंट के अंदर हम सिंपली हैंडल कर लेंगे सबमिट को। तो सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं हैंडल सबमिट। चलिए अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपली एक एनोनिमस फंक्शन बना देता हूँ, जैसे कि हैंडल सबमिट इक्वल टू, यहाँ पे एरो फंक्शन है, यहाँ पे सिंपली मैं कंसोल के अंदर सबसे पहले प्रिंट करवा देता हूँ हेलो, ताकि मैं पता चले कि ये ऑन प्रेस इवेंट काम कर रही है इसकी। सिंपली इसके ऊपर करूँगा क्लिक, ओके ये देखो यहाँ पे आ चुका है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें नेविगेट करना है दूसरी स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पे ये जो भी डेटा है उसे हमें प्रिंट करवा के दिखाना है। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे नेविगेट करना है, तो सिंपली मैं लिखूंगा नेविगेशन डॉट नेविगेट, और इसके अंदर सिंपली हमें नाम लिखना है कि कौन सी स्क्रीन के ऊपर जाना है। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने यहाँ पे स्क्रीन 1 2 ऐसे दो स्क्रीन बनाई थी, तो सिंपली मैं काम करूंगा इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये भी चला गया। अब यहाँ पे सिंपली एक स्क्रीन ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ प्रोफाइल डॉट js। चलिए अब सिंपली यहाँ पे भी उसका फंक्शन कंपोनेंट बनाना है, रिएक्ट नेटिव फंक्शन, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल, ओके और मैं करूंगा सेव। अब सिंपली यही स्क्रीन को हमें यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर के अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पे इन दोनों को अभी निकाल देता हूँ। ओके अब सिंपली ये स्क्रीन को यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट प्रोफाइल। चलिए यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, अब सिंपली इसको निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं। अब सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ स्टैक डॉट स्क्रीन, यहाँ पे लिख देते हैं नेम, उसकी नेम का नाम रख देते हैं प्रोफाइल, और यहाँ पे कंपोनेंट पास कर देते हैं कंपोनेंट इक्वल टू कौन सा कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है, और यहाँ पे सिंपली इसे कर देते हैं ओवर, और मैंने यहाँ पे सिंपली स्क्रिप्ट को रिस्टार्ट करवा लिया है। अब नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे नेविगेट करना है कहाँ पे, प्रोफाइल के ऊपर, तो सिंपली यहाँ पे लिखूंगा प्रोफाइल। एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो भी नाम लिख रहे हो वो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नेम की जो भी वैल्यू है उसके साथ मैच होना चाहिए, तो सिंपली वहां से आप कॉपी कर देना। अब यहाँ पे आपको जितने भी डेटा पास करनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं कहाँ पे, इसके दूसरे पैरामीटर में, जैसे कि यहाँ पे कॉमा करते ही एक पूरा ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली यहाँ पे इन लोगों की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, जैसे कि ये देखो पासिंग पैरामीटर्स टू राउट्स, सिंपली आप इसके अंदर पैरामीटर को पास कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो ऑन प्रेस की इवेंट के ऊपर इन लोगों ने नेविगेशन डॉट नेविगेट के अंदर इस स्क्रीन के अंदर नेविगेट करवाया है, और यहाँ पे कुछ डेटा पास किए हैं जो ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हम भी वही कर रहे हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इसके अंदर सिंपली हम पास कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम, ताकि यहाँ पे कीवर्ड थोड़ा सा अलग लगे, आप कन्फ्यूज ना हो। सिंपली यहाँ पे दूसरा ऐड कर देते हैं यूजर ईमेल, यहाँ पे आएगा ईमेल, एंड लास्ट में आएगा यूजर पासवर्ड, और यहाँ पे आएगा पासवर्ड, सिंपली जो पासवर्ड है वो यहाँ पे चला जाएगा। ओके तो हमने सिंपली यहाँ पे ये देखो यहाँ पे स्टेट का जो भी डेटा था वही हमने यहाँ पे सिंपली पास करवा दिया है, यहाँ पे हमने जो भी स्टेट का डेटा था वही दूसरी स्क्रीन के ऊपर पास करवा दिया है।
तो अब सिंपली मैं करूँगा यहाँ पे सेव। तो अब यहाँ पे सिंपली मैं कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंपली ईमेल लिख देता हूँ जैसे कि harish@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड में ऐड कर देते हैं और सिंपली मैं करूँगा सबमिट। ओके ये देखो यहाँ पे प्रोफाइल की स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो सिंपली ये जो डेटा हमने पास किया है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन कहाँ पे मिलेगा ये यहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। जैसे कि ये देखो यहाँ से हमने नेविगेट करवाया है, और यहाँ पे ये है दूसरी स्क्रीन, और इसके अंदर आपको सिंपली राउट डॉट पैरामीटर के अंदर मिल जाएगा। तो सिंपली मैं यही प्रॉप्स को करूँगा कॉपी, ये देखो यहाँ से मैंने किया कॉपी, और प्रोफाइल के कंपोनेंट के ऊपर आते ही करूँगा पेस्ट। ये देखो यहाँ पे आपको नेविगेशन एंड राउट दोनों का डेटा मिल जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log, और इसके अंदर सिंपली राउट की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं उसकी वैल्यू। ये देखो इसकी की आ गई है, लेकिन ये डेटा तो हमने पास नहीं किया है, ये डेटा नेविगेशन ने खुद ऐड किया है। हमारा जो भी डेटा था वो जो हमने यहाँ से पास किया था वो यहाँ पे आपको पैराम्स में मिल जाएगी। तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि route.params, और करूँगा मैं सेव। यहाँ पे आपका पूरा वही ऑब्जेक्ट मिलेगा जो आपने वहाँ पे पास किया है। ये देखो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब सिंपली यही डेटा को हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाना है, जैसे कि सिंपली यहाँ पे मैं स्टाइल ऐड कर देता हूँ, स्टाइल इक्वल टू। अब सिंपली यहाँ पे एक व्यू ले लेते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, यहाँ पे उसका नाम आएगा। ठीक इसी तरह से इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं ईमेल, एंड यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं पासवर्ड। अब सिंपली हमें यहाँ पे नाम चाहिए, तो सिंपली आपको लिखना है route.params.name, लेकिन यहाँ पे ये नेम नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट पास किया था उसके अंदर हमने यूजर नेम लिखा है, तो आपको यहाँ पे वही लिखना है। तो सिंपली अगर आप भी मेरी तरह कन्फ्यूज हो रहे हो तो सिंपली इस तरह से कंसोल के अंदर प्रिंट करवा लेना डेटा, ताकि यहाँ पे आपको वो पूरा मिल जाए। जैसे कि ये देखो यहाँ पे सिंपली मिल रहा है यूजर नेम, तो यहाँ से आप कर सकते हैं उसे कॉपी, और यहाँ पे जाके कर देना पेस्ट। यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे सबके अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपली यूजर नेम की जगह आएगा यूजर ईमेल, तो सिंपली वही यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे पासवर्ड भी कॉपी कर लेते हैं। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा सेव। तो ये देखो यहाँ पे पूरा डेटा आ चुका है, जो हमने यहाँ पे एंटर किया था वही सेम टू सेम डेटा यहाँ पे आ चुका है। चलिए वापस वहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे डेटा को चेंज करके देखते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने निकाल दिया, और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ कोड डिगर्स, और यहाँ पे सिंपली उसका ईमेल डाल देते हैं, और यहाँ पे उसका पासवर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे कि 123123, और मैं सिंपली करूँगा सबमिट। तो ये देखो सिंपली हमने जो डेटा यहाँ पे एंटर करवाया था वही डेटा को हमने सिंपली इस नेविगेट फंक्शन के अंदर दूसरे पैरामीटर में पास किया ऑब्जेक्ट के अंदर, और वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, और वही ऑब्जेक्ट का डेटा आपको यहाँ पे राउट के अंदर पैराम्स के अंदर मिल गया, और उस तरह से हमने यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा के दिखा दिया। अगर आप चाहते हो कि आपको ये स्टेटमेंट बार बार लिखना ना पड़े इतना बड़ा, तो सिंपली आप यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ const, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिख दो, और सिंपली इक्वल टू, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है सेम टू सेम वही टेक्स्ट जो यहाँ पे सबके अंदर रिपीट हो रही है, जैसे कि ये देखो राउट डॉट पैराम, तो सिंपली आपको इतना यहाँ से कर लेना है कट, और यहाँ पे कर दो पेस्ट। अब सिंपली यहाँ पे आपको यूजर नेम चाहिए, तो सिंपली ये देखो यहाँ से कट करके सिंपली यहाँ पे रख दो कॉमा, दूसरा आपको यूजर ईमेल चाहिए तो इसे यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे कर दो पेस्ट, और इसे भी कर देते हैं कट, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब आपको ये बार बार ये राउट डॉट पैराम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली आप इसे यूज़ कर सकते हो उसके नाम के साथ। तो ये देखो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ यूजर नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर ईमेल, और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ यूजर पासवर्ड। चलिए और करूँगा मैं सेव। तो ये देखो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू ये पूरा स्टेटमेंट लिख के उसकी वैल्यू को एक्सेस किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपली उसी वैल्यू को ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप एक स्क्रीन के ऊपर से दूसरी स्क्रीन के ऊपर डेटा को पास कर सकते हो, और यहाँ पे दूसरी स्क्रीन के ऊपर ऐसे डेटा को फेच कर सकते हो और ऐसे डिस्प्ले करवा के दिखा सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।